अब जिस तरह से ये ब्लैक स्मोक हो रहा है, ये देख के तो मतलब मैकेनिक लोग एकदम टूट पड़ेगा गाड़ी में कि भाई गाड़ी का ईजीआर चेंज क्लीन करने होगा, इंटरकूलर क्लीन करने होगा, साइलेंसर पाइप क्लीन करने होगा, जो इंटेक मैनिफोल्ड है ये क्लीन करने होगा, और ये करने से गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो भी जाता है। लेकिन 100% सपोज आप कोई टेक्नीशियन है और या गैरेज है या वर्कशॉप है, तो आपके पास टोटल 100% गाड़ी आया ब्लैक स्मोक या फिर काला धुआं लेके, उसमें से 90% गाड़ी में अगर आप नॉर्मल सा ये ट्रीटमेंट देंगे कि ये क्लीनिंग का ट्रीटमेंट, ईजीआर इंटरकूलर साइलेंसर और इंटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग करेंगे, तो 90% गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें से 10% गाड़ी ऐसा रहेगा जो ये सब करने के बाद भी आपका ब्लैक स्मोक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या फिर इंस्टेंट अगर ब्लैक स्मोक कम भी हो जाए एक दो हफ्ते बाद फिर जैसा का वैसा ब्लैक स्मोक देना चालू कर देगा। तो आज वीडियो मेन उसी 10% गाड़ी के ऊपर बनाएंगे, डायग्नोसिस बेस, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर ये इंटरकूलर ईजीआर सब में प्रॉब्लम है या फिर आपका किसी और जगह पे प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, जो लोग डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन है या फिर अगर आपके पास गाड़ी फंस गया, ब्लैक स्मोक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये डेटा थोड़ा देखिए तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। अब होता क्या है, देखिए सब गाड़ी में ही ब्लैक स्मोक होता है तो ईजीआर इंटरकूलर ये सब चोक होगा ही होगा। गाड़ी में दूसरा जगह का प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्लैक स्मोक हो रहा है, लेकिन आप जब ये सब खोलेंगे ईजीआर इंटरकूलर ये सब साइलेंसर, तो इसमें आपको पूरा काला मैला मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी में प्रॉब्लम था, दूसरा जगह पे भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण ये बार बार चोक हो रहा है। ब्लैक स्मोक क्यों होता है, फ्यूल जब क्वांटिटी ज्यादा रहता है और एयर की क्वांटिटी जब कम रहता है, एयर फ्यूल की मिक्सचर अगर प्रॉपर ना होके फ्यूल की क्वांटिटी उसमें ज्यादा है और एयर की क्वांटिटी कम है, तब जो बर्न होके एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसमें ब्लैक स्मोक या कार्बन बहुत ज्यादा होने के कारण नॉर्मली ये ब्लैक स्मोक होता है। अब डीजल गाड़ी में आपका सब कुछ सही है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी ये ब्लैक स्मोक होता है, बट एक सर्टेन किलोमीटर चलने के बाद, अप्रोक्स 30,000-40,000 ऐसा चलने के बाद आपका गाड़ी में डीजल है तो उसमें ब्लैक स्मोक होना बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज का कुछ इश्यू नहीं है, तो उस केस में आप इजीली सिर्फ ये सब क्लीन करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी में माइलेज का भी इशू है कि माइलेज थोड़ा गिर गया है, साथ में ब्लैक स्मोक भी दे रहा है, तो उस केस में आपको ये डेटा देखने होगा। और टेक्नीशियन लोगों के लिए और एक मेरा मतलब इन्फॉर्मेशन है, डेटा से जो डायग्नोसिस होगा उसके लिए हमको डेटा जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सा डेटा किसके लिए यूज होता है और ये अच्छा कंडीशन में क्या डेटा रहता है। तो इसके लिए vtech.co.in एक वेबसाइट है, गूगल में जाके आपको बस टाइप करना है vtech.co.in, उसमें जाके आप अपनी गाड़ी की मॉडल सिलेक्ट करके उसकी आइडल कंडीशन में और 2000 RPM में कितना डेटा रहना चाहिए, मतलब अच्छा गाड़ी का क्या डेटा रहना चाहिए, ये आप वहां से डाउनलोड करके PDF फाइल देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी के साथ मैच करके कि कौन सा डेटा में उसमें और इसमें, मतलब प्रॉब्लम गाड़ी के साथ अच्छा डेटा कंपेयर करके देख लेंगे कि किसमें आपका अंतर हो रहा है, तो पर्टिकुलर उस पॉइंट में जाके आप उसको रिपेयर करके सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए vtech.co.in अपना मनवीर सर जो है उनके वेबसाइट है, फ्री है, कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है, डोंट वरी, एकदम जाके वहां पे देख सकते हैं। और आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने इस गाड़ी में डेटा से जो डायग्नोस किया कौन सा डेटा जरूरी है। गाड़ी मेरा स्टार्ट है, जैसे कि देख सकते हैं, तो ये कुछ डेटा मैंने सिलेक्ट किया जिससे हम इजीली एटलीस्ट एक आइडिया कर सकते हैं कि मेरा गाड़ी का जो प्रॉब्लम है क्या इंजेक्टर से रिलेटेड है या उसकी ईजीआर ये सब क्लीन करने से ही हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो मैं सिलेक्ट किया, करंट इंजेक्शन क्वांटिटी और एक्चुअल इंजेक्शन क्वांटिटी, ये दोनों डेटा मेन है, और साथ में मैंने मास एयर फ्लो को और इंजन स्पीड और ईजीआर एक्चुएटर ये आपको दिखाने के लिए बस लिया। अब यहाँ पे देखिए करंट इंजेक्शन क्वांटिटी जो दिखा रहा है 2.0, कभी कभी ये 0.8 आ रहा है, बट उसके नीचे जो एक्चुअल इंजेक्शन क्वांटिटी है, मतलब अभी गाड़ी में जो इंजेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 7.4, बट होना कितना चाहिए 2.0 से, मतलब ये 0.8 से 2.0, मतलब इसकी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ईजी मास एयर फ्लो जो है आइडियल कंडीशन में मेरा इतना एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। इंजन स्पीड अभी देख सकते हैं 800 के अंदर है, और ईजीआर एक्चुएटर कंट्रोल ड्यूटी ये -4% रहता है, जैसे थोड़ा सा एक्सीलेटर करेंगे तो ये चेंज होगा,
अब देखिए डेटा को मैं एक्सेलेटर करता हूँ, अब मैंने हल्का सा बस एक्सेलेटर किया, तो एक्सेलेटर करने से देखिए मेरा ईजीआर कंट्रोल ड्यूटी जो है ये एक्चुएटर का ये डेटा चेंज हुआ, फिर कर रहा हूँ ठीक है, इंजन स्पीड भी चेंज हुआ और मास एयर फ्लो पर सिलेंडर जो है उसको अगर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सेलेटर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो ये भी भर रहा है। तो ये मेरा तीनों डेटा भी थोड़ा देखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईजीआर की वजह से भी ब्लैक स्मोक होता है, इस केस में ये नहीं है, तो इसमें देखना है इंजेक्टर जो करंट इंजेक्शन क्वांटिटी है वो कितना दिखा रहा है और एक्चुअल इंजेक्शन क्वांटिटी जो है तो ये दोनों लगभग सेम होना चाहिए, एक कम ज़्यादा होने से चलता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब 3 डबल के आसपास कुछ है, तो इससे एक आइडिया हो सकता है कि मेरा गाड़ी का जो इंजेक्टर अभी लगा हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हो रहा है और इसके चलते गाड़ी में ब्लैक स्मोक हो रहा है। अब ये इंजेक्शन इतना ज़्यादा हाई क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, बट डेटा से एटलीस्ट ये एक आइडिया लग जाता है। अभी ये मैंने एक दूसरा गाड़ी में GDS यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये डेटा एक्चुअल में क्या रहना चाहिए वो कंपेयर करके दिखा सकते। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 डेटा लिया, करंट इंजेक्शन क्वांटिटी और एक्चुअल इंजेक्शन क्वांटिटी और इंजन स्पीड, बस आपको दिखाने के लिए कि मैं एक्सेलेटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब अभी आइडल कंडीशन में है तो ये दोनों ही 5.5 में ही फिक्स है, अब जैसे मैं एक्सेलेटर करता हूँ दोनों लगभग सेम एक साथ ही वर्किंग कर रहा है ठीक है। तो एक्चुअल इंजेक्शन और करंट इंजेक्शन ये दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी में ये चेक करें, गाड़ी के माइलेज के केस में भी ये आपको बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। अगर एक्चुअल इंजेक्शन और करंट इंजेक्शन दोनों में अंतर होता है तो गाड़ी की जो इंजेक्टर है उसको सबसे पहले डाउट में रखा जाता है, बट सिर्फ इंजेक्टर नहीं कई बार इंजन या एयर फ्लो की जो लाइन है इनटेक की लाइन है उसको भी मतलब देखना ज़रूरी है। मेरा सिंपली जो फंडा है, अगर मेरे पास कोई भी गाड़ी आता है ब्लैक स्मोक के लिए मुझे दो डेटा सिर्फ देखना है कि भाई इंजेक्शन ड्यूरेशन क्या है, अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस लग रहा है कि हाँ जो रहना चाहिए उससे ज्यादा दिखा रहा है तो इन दैट टाइम मुझे पहले तो क्यों ज्यादा है वो देखना है। हो सकता है आपका इंजेक्टर का प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है कि आपकी पंप का कुछ इशू हो, प्रेशर प्रॉपर नहीं बना पा रहा है या XYZ जो भी, या फिर ECM जो है ECM उसको ज्यादा देर तक फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लगता है तो पहले उसको डायग्नोस कर ले और उसके बाद जाके ये क्लीनिंग का जो पार्ट है ये करना ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी चोक हो गया तो इसको क्लीनिंग करना है। लेकिन पहले मैं एक बार बस डेटा को देख लेना ज्यादा अच्छा समझता हूँ कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम जो है ये एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा दूसरे जगह पे प्रॉब्लम है या नहीं। आई होप कि ये मेरा जो वीडियो है ये टेक्नीशियन को आगे से ब्लैक स्मोक के ऊपर आप वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत सारा आएगा कि सब क्लीनिंग कैसे करना है, कितना अच्छा करना है, एकदम काला धूल मैला दिखाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो 10% गाड़ी के बारे में भी सोचना है जिनका प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होता है, और उसके लिए आपको मेरा ये चैनल भी देखने होगा ताकि मैं आपको इस तरह से जो प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो कम है उसके ऊपर मेरा वीडियो आएगा ताकि अल्टीमेटली कोई गाड़ी फंसे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।